Assalamualaikum. My name is Muhammed Zain Munir, and I am a student of FSC Part 2 at Punjab Group of Colleges, Gujranwala. And my documentary on the struggle for Pakistan is here. ये दास्तां है एक ऐसे अज़्म मुसम्मम की जिसकी बुनियाद तब डली कि जब कराची में रहने वाले एक गुजराती ताजिर के यहाँ एक बच्चे की विलादत हुई. इस नौजायदा बच्चे का नाम मोहम्मद अली चिना रखा गया. इस दास्तान की बाकायदा शुरुआत तब हुई कि जब 1888 में सर सैयद अहमद ख़ान ने दो कौमी नज़रिया पेश किया और उसकी बदौलत बरे सगीर में एक आज़ाद और खुद मुख्तार ममलिकत इस्लामिया का कयास परवान चढ़ने लगा. गर्दिश अय्याम ने इस दास्तान को कुछ ऐसे रंग दिए कि जिनका जिक्र नहायत अहम है. सियासी तकरार में मोतीलाल नेहरू की जानिबदाराना रिपोर्ट हो या कायद के 14 नकात, बगावत हाकिब कश्मीर हो या मोहनदास गांधी का पाबंद सलासन होना, जिनाह गांधी मुजाकरात हो या लॉर्ड माउंट बैटन की मुसलमानों से दगाबाजी, मुसलमान महाजरों का कत्लेआम हो या पर्दाय जन का इस्तेहसाल, मुसलमानों की बेरोज़गारी हो या मस्जिदों की तखरीब कारी. बिलाखिर 14 अगस्त 1947 ये वो दिन था कि जिसका सूरज अपने हमराह उस आज़ादी की नवीद लेकर आया कि जिसकी ख्वाहिश गुज़िश्ता कई सालों से सरजमीन हिंद पर पनप रही थी. ये वो दिन था कि जब बेबस माओं की दुआएं शर्मिंदाए ताबीर हुई. ये वो दिन था कि जब बरे सगीर पाको हिंद पर वो सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया गया और ये वो अदीमुन नज़ीर पल था कि जब तमाम मुसलमानों के लब पर सिर्फ एक ही नगमा था और वो था पाकिस्तान का मतलब क्या. ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान है मेरा जहां. ला इलाहा इल्लल्लाह.